गाले टेस्ट के दूसरे दिन ओपनर शिखर धवन और कप्तान कोहली ने शतक लगाए। दिल्ली के दोनों दबंगों के शतकों की बदौलत भारतीय टीम अपनी पहली पारी में 375 रन बनाए। धवन 134 और कोहली 103 रन बनाकर पवेलियन लौटे। 192 रनों से पिछड़ने के बाद लंकाई बल्लेबाजी दूसरी पारी में भी लड़खड़ाती दिखी और 5 रनों पर 2 विकेट खो दिए थे। श्रीलंका के खिलाफ 6 विकेट लेकर टीम को मजबूत स्थिति में लाने वाले भारतीय टीम के स्टार स्पिन गेंदबाज अश्विन का मानना है कि उन्होंने खुद का आलोचक बनकर अपने प्रदर्शन में सुधार किया है। ये बात अश्विन ने मैच के खत्म होने के बाद कही। अश्विन ने श्रीलंका के खिलाफ 46 रन देकर 6 विकेट हासिल किए थे। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव ने अपने जीवन पर फिल्म बनाने से साफ इनकार कर दिया है। कपिल का कहना है कि मैं अभी इतना बूढ़ा नहीं हुआ कि मेरे जीवन पर फिल्म बनाई जाए। उन्होंने मिल्खा सिंह के जीवन पर बनाई गई बायोपिक की तारीफ की। हाल के दिनों में भारत के दो कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन और MS धोनी के जीवन पर फिल्म बन रही है। इंग्लैंड दौरे के लिए ऑस्ट्रेलियाई वनडे टीम की घोषणा कर दी गई है। ऑस्ट्रेलियाई चयनकर्ताओं ने 26 साल के युवा बल्लेबाज स्टीवन स्मिथ पर भरोसा जताते हुए उन्हें टीम की कमान सौंपी है। चयन समिति ने दो तेज गेंदबाज जॉनसन और हेजलवुड को आराम दिया है।